तो गाइस इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे वर्डप्रेस थीम्स का बताऊंगा जिसका यूज करके आप प्रोफेशनल लुकिंग वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हो, फुल रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हो बस सिंगल क्लिक में। इसमें ऐसे डेमोस आते हैं जिसको आप इंस्टॉल करके एक क्लिक में गाइस ऑटोमेटिकली एक प्रोफेशनल लुकिंग फुल रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हो। बहुत सारे थीम्स का बताऊंगा, टोटल 5 थीम्स हैं गाइस, फुल प्रीमियम थीम्स हैं। सो हे सो गाइस, इट्स मी मोंशु हियर बैक इन द स्टूडियो। सो यार कैसे हो सब लोग? तो जिसका आपको पता है मैं वेबसाइट डिजाइनिंग एसईओ एंड ब्लॉगिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर वीडियो बनाता हूं। तो आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे चैनल में जरूर चेकआउट कर देना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिल जाएंगे। एंड इन दिस वीडियो गाइस हम बात करेंगे प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट थीम्स के बारे में जिनका यूज करके आप जो है प्रोफेशनल लुकिंग रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट बना पाओगे। एंड बहुत सारे थीम्स हैं एंड इनका डाउनलोड लिंक तो मैं प्रोवाइड नहीं करने वाला, बट नेम प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उनको जो है सर्च करके आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो गाइस। एंड आप लोगों को पता है आप इजीली खोज लोगे, थीम्स डाउनलोड कर लोगे इजीली फ्री में। ओके तो चलो इस वीडियो में शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स बिगिन गाइस। सो वेलकम बैक टू माय पीसी गाइस। तो देख सकते हो पीसी मांगे एंड यहाँ पे देख सकते हो क्रोम टैब पे खुला है बहुत सारे वर्डप्रेस थीम, 1, 2, 3, 4 टोटल जो है यहाँ पे 5 वर्डप्रेस थीम है एंड सभी कुछ प्रोफेशनल लुकिंग थीम है। एक एक करके बताता हूँ कौन कौन से थीम है। पहला जो थीम है गाइस ओके ये है बेनक्यू का न्यूज़पेपर मैगजीन वर्डप्रेस थीम। ओके ये थीम जो है बहुत मॉडर्न डिजाइन के साथ साथ बहुत रिस्पॉन्सिव हमको लेआउट देता है। यहाँ पे नीचे देख सकते हो इनमें 10+ डेमोस मिल जाते हैं, हमको 10+ डिजाइन मिल जाते हैं जिसको हम ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर सकते हैं एक क्लिक का यूज करके इंस्टॉल कर देते हैं। ओके तो यहां पे देख सकते हो मेन डेमो है, इल्यूजन है, तो सिंपली मेन डेमो को चेक करते हैं कैसा लोडिंग एनिमेशन आ रहा है। देख सकते हो किस तरीके का मॉडर्न डिजाइन यहां पे दिख रहा है। सिंपली नीचे जाऊं तो देख सकते हो इस ब्लॉग का डिजाइन कैसा दिख रहा है। अगर आप इसको एक ब्लॉग वेबसाइट में यूज करोगे तो बहुत मॉडर्न डिजाइन के साथ साथ बहुत रिस्पॉन्सिव आएगा। मैं किसी भी मेन्यू के ऊपर जाता हूं जो है यहां पे मेन्यू के होवर इफेक्ट आ रहा है, यहां पे साइड बार दिखता है। मैं किसी भी पोस्ट को ऐसे क्लिक करता हूं देख सकते हो कितना फर्स्टली पोस्ट खुल जा रहा है, लोडिंग एनिमेशन बहुत जबरदस्त दिखता है ये चीज। ओके यहां पे देख सकते हो कैटेगरीज का कैसा दिख रहा है, साइड बार का लेआउट में जो है कलरफुल डिजाइन रहता है इसीलिए साइड बार का देख सकते हो कैटेगरीज सेक्शन कैसे बैकग्राउंड इमेज के साथ आ रहा है, होवर इफेक्ट है सभी में। सबसे खतरनाक चीज क्या है दिखाऊं, यहां पे मैं स्लाइड शो करता हूं नीचे चलता हूं देखो ये जो लाइन है ना ये कैसे ऊपर जो है एक इसको जो है यूट्यूब लेआउट का यूट्यूब में पहले ही इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, जस्ट वीडियो प्ले होता है उसके साथ सब लाइन जाता है इस तरीके का डिजाइन देख सकते हो ऊपर आ रहा है। मैं ऐसे स्लाइड नीचे चलता हूं तो कैसा दिख रहा है, बहुत खतरनाक डिजाइन दिखता है यार, बहुत ऑसम डिजाइन है ये। ओके एंड पोस्ट का लेआउट भी देख सकते हो किस तरीके से आप पोस्ट इसमें डिजाइन कर सकते हो, बहुत मस्त फीचर्स इसमें मिल जाते हैं, सिंपल एंड रिस्पॉन्सिव जो है डिजाइन देता है। देख सकते हो मैं किसी भी पोस्ट को नीचे चले जाऊं, ये जो है पर्सनल ब्लॉग्स वेबसाइट के लिए बहुत बेस्ट रहते हैं। एंड ये जो लाइक इसमें मैं क्लिक करूं देख सकते हो लोडिंग एनिमेशन आ रहा है, सभी में पोस्ट का डिजाइन जो है लेआउट बहुत जबरदस्त दिखता है। एंड ये जो थीम है बेंक्यू का न्यूज़पेपर वर्डप्रेस मैगजीन थीम ये बहुत जबरदस्त दिखता है। ओके इस थीम को नोट करना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ये जो है बेंक्यू न्यूज़पेपर वर्डप्रेस मैगजीन थीम फर्स्ट थीम है ये। ओके देन दूसरा जो वर्डप्रेस थीम है गाइस, तो गाइस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आज के हमारे स्पॉन्सर ब्लूहोस्ट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ब्लूहोस्ट वन ऑफ द बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको बिना टेंशन की एक ब्रांडेड होस्टिंग लेना है, एक हाई क्लास होस्टिंग लेना है तो आप ब्लूहोस्ट से ले सकते हैं। ब्लूहोस्ट वन ऑफ द बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं जो कि खुद वर्डप्रेस द्वारा रिकमेंडेड, देख सकते हैं यहाँ पे ब्लूहोस्ट इज रिकमेंडेड बाय खुद wordpress.org, खुद वर्डप्रेस इनको रिकमेंड करता है भाई। एंड ये लोग बहुत सारे होस्टिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं लाइक शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, VPS होस्टिंग। इसके साथ साथ ब्लूहोस्ट पे आपको जो है फ्री डोमेन मिलता है 1 ईयर का एंड यहाँ पे फ्री आपको SSL सर्टिफिकेट, CDN एंड इंडियन सर्वर्स मिलते हैं आपको। इसके साथ साथ 24/7 सपोर्ट सिस्टम रहता है। सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो ब्लूहोस्ट वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको कॉल सपोर्ट, चैट सपोर्ट एंड जो डेवलपर्स फॉर्म्स वगैरह सभी कुछ मिल जाते हैं। वर्डप्रेस के प्लान्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, 169 से शुरू होते हैं। इसके साथ ई कॉमर्स होस्टिंग आपको 449 रुपीज में मिल जाता है। ऐसे बहुत मस्त ऑफर यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो अगर आपको एक बिना टेंशन के हाई परफॉर्मेंस हाई क्लास होस्टिंग लेना है तो आप bluehost.in चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप ब्लूहोस्ट होस्टिंग परचेस कर सकते हैं। एंड कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। देन दूसरा जो वर्डप्रेस थीम है गाइस वो भी बहुत जबरदस्त लुक्स के साथ आता है, बहुत ऑसम लुक्स के साथ आता है। यहाँ पे देख सकते हो थीम का नेम है नियॉन वर्डप्रेस न्यूज़पेपर थीम। ये जो जितने भी वर्डप्रेस न्यूज़पेपर थीम ये लिखा हुआ होता है ये बेसिकली ब्लॉग वेबसाइट के लिए रहते हैं। आप अगर इसमें एक ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाहते हो बहुत मस्त है। देख सकते हो इस थीम का जो है लुक ओवरऑल लुक जो बेस लुक आता है कुछ इस तरीके का रहता है, बहुत ऑसम लुक्स के साथ आता है। एंड ये मैगजीन टेम्पलेट है, मतलब कि मैगजीन आप इसमें वेबसाइट बना सकते हो, ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हो, इसीलिए इस तरीके का
डिजाइन रहता है, बहुत जबरदस्त डिजाइन। यहाँ पे भी सेम जो है हॉवर इफेक्ट है, लोडिंग एनिमेशन है, सभी चीजें यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट का लेआउट कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे जो है इसमें भी वो लाइन वाला फीचर्स अब सभी थीम्स में देने लगे। इसमें भी देख सकते हो साइड बार, देख सकते हो इस तरीके का साइड बार का डिजाइन है, टेक्स्ट का डिजाइन है, बहुत ऑसम यहाँ पे डिजाइन हमको मिल जाता है। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे जो है प्रीबिल्ट टेम्पलेट्स आते हैं। मैं मान लो होम टेक्नोलॉजी वाला, यहाँ पे सिंपली होम पेज अलग अलग लेआउट्स आता है टेक्नोलॉजी वाला, यहाँ पे ओपन कर लो तो देख सकते हो टेक्नोलॉजी वाला कैसे दिखता है। ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पे, देख सकते हो होम्स पे कितने सारे यहाँ पे जो है हमको ऑप्शन देखने के मिलते हैं। यहाँ पे न्यूज़पेपर वाला ओपन करो तो सिंपली न्यूज़पेपर वाला देख लेता। न्यूज़पेपर वाला कुछ ऐसा दिखता है कि न्यूज़ डिजाइन बेसिकली हमको देखने के लिए मिल जाता है। इस तरीके का लेआउट मिलता है हमको। तो अलग अलग लेआउट है, सभी लेआउट्स आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, एक सिंगल क्लिक में इंस्टॉल हो जाते हैं। जो है डेमो सेक्शन में जाना, इंपोर्ट डेमो सेक्शन में जाना, इंपोर्ट कर देना, इजीली ये लेआउट आपके में आ जाएगा। तो इस तरीके का न्यूज़ लेआउट है, बहुत सारे थीम्स है इसमें न्यू में। एंड फीचर्स देखते हो तो सभी कुछ फीचर्स यहाँ पे दे रखा है, एलिमेंट ग्रिड सभी कुछ आप जो फीचर्स ऐड कर पाओगे। इनके जो है डिजाइन जो है एक प्लगइन आता है डिजाइन करने के लिए, ये भी आप यूज कर पाए। गेमिंग वेबसाइट बनाना है, देख सकते हो गेमिंग वेबसाइट आप इजीली एक सिंगल क्लिक में भी बना सकते हो। गेमिंग का लेआउट कुछ ऐसे तरीके का दिखता है जो कि बहुत मस्त है। आप गेम ब्लॉग बनाना चाहते हो, गेम रिव्यू ब्लॉग बनाना चाहते हो, उसके लिए बेस्ट रहेगा। ओके, सिंपली मैं किसी भी लाइक पोस्ट को यहाँ पे क्लिक है, बहुत मस्त रहता है यार ऐसे गेम ब्लॉग बनाने के लिए। ये जो नियॉन वर्डप्रेस मैगजीन टेम्पलेट है इसमें बहुत सारे यहाँ पे जो है प्रीबिल्ट टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। देख सकते हो यहाँ पे 24 टेम्पलेट्स दिखाए गए, बट और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे ट्रेंडिंग का भी एक सेक्शन आता है, देख सकते हो ट्रेंडिंग पोस्ट। हम न्यूज वेबसाइट बेसिकली बना रहे हैं तो हमको ट्रेंडिंग वाला सेक्शन जरूरी रहता है। यहाँ पे डेट्स लिखा हुआ रहता है, देन ऑथर्स लिखा हुआ रहता है, ये सभी चीजें इसमें दे रखा है। बहुत मस्त डिजाइन हमको देखने के लिए मिलता है, बहुत अच्छा लेआउट रहता है। देख सकते हो फीचर पोस्ट के सेक्शन में कैसे हॉवर इफेक्ट आ रहा है, बहुत अच्छा एक जो है। तो ये है नियॉन का वर्डप्रेस न्यूज़पेपर थीम जो कि बहुत मस्त है। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। जो नेक्स्ट वाला थीम है उसका नेम आपको श्योर पता होगा, एंड ये जो थीम है बहुत पॉपुलर थीम है, इसका नेम है न्यूज़पेपर थीम। ओके, न्यूज़पेपर 12, यहां पे 12 वर्जन आ गया इसका। तो न्यूज़पेपर 12 वर्डप्रेस थीम, एंड देख सकते हो इसके कस्टमर भाई 125,000 जो है, 125,000 इसके जो यूजर्स हैं। बहुत फीचर्स प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है, एंड इस पे भाई डेमोस हजारों लाखों डेमोस आपको मिल जाएंगे। अब जिस भी तरीके का वेबसाइट बनाना चाहते हैं आप न्यूज़पेपर थीम में इजीली बना सकते हैं। बहुत लाखों लाइक अब किसी भी तरीके का वेबसाइट बनाना चाहते हो न्यूज़पेपर में वो अवेलेबल रहता है डेमोस। ओके, देख सकते हो सिंपल एक न्यूज़पेपर जो मैगजीन का लेआउट कुछ इस तरीके का आता है। आपको पता होगा ये थीम्स सभी लोग यूज़ करते हैं, मोस्टली जितने भी ब्लॉगर्स होते हैं न्यूज़पेपर थीम वो लोग यूज़ करते हैं। बहुत खतरनाक यहाँ पे आपको जो है डिज़ाइन देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके का न्यूज़पेपर डिज़ाइन रहता है। इसका स्पीड जबरदस्त होता है, जो लोडिंग स्पीड रहता है, जो ऑप्टिमाइजेशन रहता है न्यूज़पेपर का वो खास रहता है। इसमें ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छे मिल जाते हैं, आपको साइड बार मिल जाता है, एक प्रोफेशनल लुकिंग एंड मोबाइल फ्रेंडली। यहाँ पे हम अगर मोबाइल डिवाइसेस में सिंपली मोर सेटिंग में डेवलपर टूल्स में यहाँ पे मोबाइल सेटिंग में जाए तो मोबाइल लेआउट में भी ये बहुत अच्छा दिखता है, बहुत प्रोफेशनल दिखता है, मोबाइल में भी बहुत अच्छा चलता है। इसीलिए लोग न्यूज़पेपर थीम इतना ज्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि ये एक इजी टू यूज थीम है। इसके साथ साथ इसमें सभी फीचर्स दे रखते हैं, ऑप्टिमाइज थीम है। ओके, इसीलिए न्यूज़पेपर थीम यूज करते हैं, एंड न्यूज़पेपर में इतने सारे डेमोस आते हैं। आप किसी भी तरीके की वेबसाइट बनाना चाहते हो सभी प्रकार के अब जो डेमोस मिल जाएंगे। मान लो यहाँ पे सिंपली कोई भी लाइक एक देख सकते हो ये कैसा एक अच्छा सा डेली लेआउट ही है ये। ओके, कैसे छोटे छोटे अक्षरों के साथ एक प्रोफेशनल लुकिंग न्यूज़ वेबसाइट आप बना सकते हो, न्यूज़ आउटलेट बना सकते हो। ये देखो एक न्यूज़ जो है टेम्पलेट, ये बेसिकली नेक्स्ट वाला टेम्पलेट है। एंड इसमें देखो कैसा एक लाइक फॉरेन वेबसाइट के लिए, लाइक यूएस यूके साइट्स के लिए आप एक न्यूज़ वेबसाइट बनाना चाहते हो कुछ इस तरीके का आप डिज़ाइन लिख सकते हो। न्यूज़ वेबसाइट के लुक्स ऐसे बहुत प्रोफेशनल लगते हैं, इस तरीके का डिज़ाइन आपको एक मिल जाए तो आप जो है यूएस यूके में इजीली रैंकिंग कर सकते हो। वहाँ के लोग ऐसे जो है न्यूज़ जो है वेबसाइट पसंद करते हैं, ऐसे डिज़ाइन पसंद करते हैं। तो न्यूज़पेपर 12 हमने जो है इसको लो है तीसरे नंबर पर इसीलिए रखा है, ये बहुत जो है प्रोफेशनल लुकिंग बहुत प्रोफेशनल डिज़ाइन के साथ आता है। देन जो चौथा जो थीम आता है गाइस वो बेसिकली यूएस यूके में आपको एक न्यूज़ वेबसाइट बनाना है, एक न्यूज़ आउटलेट बनाना है, उसके लिए आता है ये थीम जो है बहुत प्रोफेशनल लुक्स के साथ आता है। एंड बेसिकली स्पेशल डिज़ाइन है गाइस न्यूज़पेपर वेबसाइट के लिए, न्यूज़ वेबसाइट के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे द फॉक्स न्यूज़पेपर नेम, एंड ये जो फॉक्स का वेबसाइट होता है उस तरीके का डिज़ाइन हमको देखने के लिए मिलता है। एंड सभी तरह के आपको लेआउट्स मिल जाएंगे बेसिकली न्यूज़ के लिए, मैगजीन वेबसाइट के लिए बेसिकली फेमस है। एंड इसको आप क्लिक करोगे देख सकते हो कुछ इस तरीके का पूरा मैगजीन आपके सामने ही रख देगा, ये मैगजीन का डिज़ाइन बेसिकली यहाँ पे रख जाता है। एंड यूएस यूके कनाडा में ये सभी
भी चीज़ें बहुत पॉपुलर रहती हैं वहाँ पे, लोग इस तरीके की वेबसाइट पसंद करते हैं, इस तरीके की वेबसाइट में न्यूज़ पढ़ना, इस तरीके की वेबसाइट लुक्स को लोग पसंद करते हैं। तो आपके लिए इंडिया के लोग तो उतना ज़्यादा प्रीफर नहीं करते, बट अगर आप US UK में अगर रैंक करना चाहते हो किसी भी न्यूज़ वेबसाइट को, उसके लिए बहुत फेमस रहेगा, उसके लिए ये थीम बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपको बहुत प्रोफेशनल एक ब्लैक एंड व्हाइट डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है एंड बहुत ज़्यादा कलर्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, बस जो फोटोज़ का कलर होता है वो होता है। देन मेन्यूज़ में ये सभी चीज़ों में हमको जो है बेसिकली पूरा एक ब्लैक एंड व्हाइट डिज़ाइन देखने मिलता है, पूरा न्यूज़पेपर जैसा ही तो दिखता है ये। ओके, तो इस तरीके का डिज़ाइन है एंड आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत सिंपल, बहुत जो है अट्रैक्टिव डिज़ाइन यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है। एंड इसका साइड बार भी, मैं किसी भी पोस्ट को सिंपली ऐसे पोस्ट को क्लिक करूँ, पोस्ट के अंदर भी सेम ब्लैक एंड व्हाइट डिज़ाइन के साथ आता है जैसे न्यूज़पेपर में रहता है, सेम उस तरीके का न्यूज़ जैसा, न्यूज़ मतलब कि एक फिजिकल न्यूज़पेपर जैसा होता है उस तरीके का डिज़ाइन हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, द फॉक्स न्यूज़पेपर यहाँ से इसका नेम है। देन जो फिफ्थ जो है थीम बताऊँ, उसमें कस्टमाइजेशन सपोर्ट इतने अच्छे मिल जाते हैं, मतलब कि आप एलिमेंटर का यूज़ करके इसमें इतने सारे कस्टमाइजेशन कर पाओगे कि बाकी सभी थीम्स फीके पड़ जाएंगे। इसमें कस्टमाइजेशन सपोर्ट बहुत अच्छा दिया जाता है, आप किसी भी तरीके की वेबसाइट बनाना चाहते हैं इसमें आप कस्टमाइज करके बना सकते हैं, बहुत प्रोफेशनल लुक्स के साथ आता है। इसका नेम है, देख सकते हो, सोल्डेट मल्टीपर्पज वर्डप्रेस थीम बेसिकली, एंड इसमें बेसिकली ये फेमस है इसके कस्टमाइजेशन के लिए, सभी कुछ आप कस्टमाइज कर पाओगे इसमें एंड बहुत सारे डेमोस भी आपको देखने मिल जाते हैं। देख सकते कितने सारे डेमोस में जो है जनरल मैगजीन वाला यहाँ पर डेमोस ओपन करूँ तो देख सकते इस तरीके का डिज़ाइन रहता है बेसिकली। एंड यहाँ पे जो है रिस्पॉन्सिव बहुत ज़्यादा रहता है, मैं किसी भी पोस्ट को ऐसे क्लिक करूँ बहुत फास्टली यहाँ पे खुल जाएगा एंड रिस्पॉन्सिव आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। मैं इसको मोबाइल वर्जन पे भी ओपन करूँ सिंपली ऐसे डेस्कटॉप टूल में जाकर, मोबाइल वर्जन में भी फुल्ली रिस्पॉन्सिव वही डिज़ाइन के साथ आता है। यहाँ पे थीम का एक मेन चीज़ ये रहता है कि आप जैसे पीसी में देखते हो एक अच्छा डिज़ाइन रहता है, उस तरीके से मोबाइल में भी एक अच्छा थीम दिखना चाहिए एंड ये थीम उसको फुलफिल करता है। मैं किसी भी लाइक पोस्ट को यहाँ पे क्लिक करूँ वो भी बहुत अच्छा दिखता है, लाइक पीसी में भी बहुत अच्छा दिख रहा है एंड यहाँ पे मैं इसको अगर मोबाइल वर्जन पे भी करूँ, मोबाइल वर्जन पे भी देख सकते हो बहुत अच्छा लुक्स के साथ यहाँ पे आ जाता है। तो इस ये जो चीज़ है ना, ये फीचर ये जरूरी होता है थीम्स में एंड इसको आप बहुत तरीके से कस्टमाइज कर पाओगे इसमें, एलिमेंटर से आप इसमें इतने सारे कस्टमाइजेशन कर पाओगे। मान लो ये ब्लॉग आपको हटाना है, ये पोस्ट का लेआउट चेंज करना है, ये जो है लाइक इमेज का साइज चेंज करना है, सभी चीज़ें आप एलिमेंटर से इजीली इसमें कर पाओगे। ये थीम फुल सपोर्ट देता है एलिमेंटर को एंड बहुत अच्छा थीम है ये एंड सोल्डेट जो है इसका मल्टीपर्पज जो है थीम है एंड देख सकते हो इसके लाइक आप इसमें जो है बेस्ट टेक ब्लॉग बनाना चाहते हो, आपको एक न्यूज़ वेबसाइट बेसिकली तो टेक न्यूज़ वेबसाइट बनाना है तो आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। इसमें बहुत सारे प्री बिल्ट टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, देख सकते हो जैसे ये मोबाइल का रिव्यूज़ वाले जो है ये वेबसाइट का लेआउट दिखा रहा है, तो इस तरीके का डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। एंड मेनली ये जो मोबाइल फीचर्स जो देता है ना, मतलब कि मोबाइल में भी सेम तरीके से दिखता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत अच्छा ये एक लाइक आपको फीचर दे देता है। ओके, मैं किसी भी पोस्ट को क्लिक करूँ कितना जल्दी खुल जाता है, देख सकते हो यहाँ पे मैं लोडिंग स्पीड कितना ज़्यादा है। यहाँ पे मैं किसी पोस्ट को ऐसे क्लिक करूँ डायरेक्टली, यहाँ पे जैसे पोस्ट को क्लिक करते हैं एक ही सेकंड के अंदर यहाँ पे खुल जाता है, तो लोडिंग स्पीड बहुत अच्छा दे देता है एंड साइड बार के डिज़ाइन जो मेन्यू का डिज़ाइन सभी कुछ यहाँ पे आप कस्टमाइज कर पाओगे, सभी कुछ प्रीबिल्ट फीचर्स भी जितने सारे दे रखे हैं ना उसमें आप खुश हो जाओगे। देख सकते हो ये वर्ल्ड एक्सप्रेस का एक डेमो है, कैसे किस तरीके का डिज़ाइन दिख रहा है, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन के साथ आता है एंड बहुत जो है फास्टली ये थीम जो है ग्रो कर रहा है, ये थीम बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं अभी। इसका नेम है सोल्डेट मल्टीपर्पज वर्डप्रेस थीम, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लो। तो ये जो पांच वर्डप्रेस थीम मैंने बताई बहुत प्रोफेशनल लुक्स के साथ आते हैं एंड इसमें मेन फीचर ये है कि यहाँ पे आपको प्रीबिल्ट डेमोस जो मिलते हैं ना वो बहुत अच्छे रहते हैं, आप सिंपल एक क्लिक से उस डेमोस को इंस्टॉल कर सकते हो एंड आपको वर्डप्रेस वेबसाइट उस तरीके का दिखने लगेगा। बहुत सारे डेमोस आते हैं जिस भी तरीका, लाइक आपको न्यूज़ वेबसाइट बनाना है, टेक रिव्यू वेबसाइट बनाना है, आपको जो है लाइक मूवी रिव्यू वेबसाइट बनाना है, सभी तरीके के जो है वेबसाइट के लिए डेमोस प्रोवाइड करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे थीम्स हैं, सभी के नेम जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, सर्च करना है गूगल पे आपको डाउनलोडिंग वगैरह मिल जाएंगे, या डाउनलोड करना यूज करना, बहुत ऑसम थीम्स आई है एंड होपफुली आपको जो ये वीडियो पसंद आया होगा, ऐसे वीडियोस और चाहिए तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।